डियर स्टूडेंट्स, टुडे क्लास 11th आरडी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 7 वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट सम आर डिफरेंस ऑफ एंगल्स एक्सरसाइज 7.2 वी विल स्टार्ट लेवल फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन. नीचे ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन है, हमको इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कैलकुलेट करना है. चार पार्ट है इसमें, 1, 2, 3 और 4, तो वन बाय वन हम लेते जाते हैं. पार्ट फर्स्ट, 12 sin x - 5 cos x, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन गिवन है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है. तो ये एक्सप्रेशन आपका x के टर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम f ऑफ x के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं. पहले लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 12 sin x - 5 cos x. देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये a साइन x प्लस b cos x के फॉर्म में, a के प्लेस पे 12 है और b के प्लेस पे माइनस 5 है. तो हमारे पास में a साइन x प्लस b cos x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाले थे हमने लास्ट क्लास में, तो हम उसी का यूज करेंगे. सेंस a साइन x प्लस b cos x, इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास है माइनस अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. देखिए ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये अपने पास में है. अब इसी का यूज करके हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं. हियर a इज इक्वल टू है 12 और b इज इक्वल टू है माइनस 5, रख दो इसके अंदर. ये माइनस अंडर रूट ए स्क्वेयर, ए के प्लेस पे 12 है तो 12 स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बी के प्लेस पे माइनस 5 है, माइनस 5 स्क्वेयर, और इसको अपन f ऑफ x लिख सकते हैं. f ऑफ x के इक्वल कंसीडर किए हमने इसको, 12 साइन x माइनस 5 कॉस x को f ऑफ x लिख लिए. इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, फिर से वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू है 12, सो 12 स्क्वेयर प्लस बी की वैल्यू है माइनस 5 का स्क्वेयर. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, विच एम्प्लाइज ये माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, 12 स्क्वेयर 144 प्लस माइनस स्क्वेयर प्लस और 5 स्क्वेयर 25 इज लेस देन आर इक्वल टू, ये एफ ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 12 स्क्वेयर 144 प्लस माइनस स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर 25, विच एम्प्लाइज माइनस 144 में 25 प्लस कर देंगे, 4 प्लस 5 9, 2 प्लस 4 6 1 169, और ये एफ ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 144 प्लस 25 169, 160 माइनस 169 का अंडर रूट 13 एफ ऑफ एक्स, और लेस देन आर इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट 13. तो देखिए वैल्यू आ गई एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 13 और लेस देन आर इक्वल टू 13, मतलब एफ ऑफ एक्स या 12 साइन एक्स माइनस 5 कॉस एक्स के इक्वल है, इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस 13 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू 13 हो जाएगी. तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 13 एंड मैक्सिमम वैल्यू is equal to plus 13. बस ऐसे आपको इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिख देना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकेंड, 12 cos x plus 5 sin x plus 4. देखिए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अपने को निकालना है. ये x के टर्म में है, सबसे पहले मैं इसको f ऑफ x के इक्वल सपोज कर लेता हूँ. लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 12 cos x plus 5 sin x प्लस 4. इसको हम a साइन x प्लस b cos x प्लस c के फॉर्म में लिख लेते हैं. 5 साइन x को पहले लिख लो, टर्म्स को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, प्लस 12 cos x और प्लस 4. ये आ गया अपना a साइन x प्लस b cos x प्लस c के फॉर्म में, और अपने पास में a साइन x प्लस b cos x प्लस c की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है. मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c, और मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी, उसका यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर. सेंस ये माइनस
अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी, ये मिनिमम वैल्यू है इसकी, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और प्लस सी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी, ऐसी है अपने पास में। अब इसको अपन ने एफ ऑफ एक्स ले लिए, तो इसके प्लेस पे यहाँ एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं और ए के प्लेस पे 5 और बी के प्लेस पे 12 और सी के प्लेस पे 4 रख, व्हिच एम्प्लाइज ये माइनस अंडर रूट ए स्क्वेयर, ए के प्लेस पे 5, तो 5 स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बी के प्लेस पे 12 स्क्वेयर प्लस सी के प्लेस पे है 4, और इस पूरे को ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी के प्लेस पे है, इसको हम एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं। ये एफ ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर है 5 स्क्वेयर और बी स्क्वेयर हो जाएगा 12 स्क्वेयर प्लस सी आपका 4 है। इसको सॉल्व कर देते हैं, विच एम्प्लाइज माइनस अंडर रूट 5 स्क्वेयर 25 प्लस 12 स्क्वेयर 144 प्लस 4, और ये एफ ऑफ एक्स ऐसी रहने दो, इज लेस देन आर इक्वल टू 5 स्क्वेयर 25 प्लस 12 स्क्वेयर 144 प्लस 4, इसको और सिंपल करते हैं, विच एम्प्लाइज माइनस 25 प्लस 144 करेंगे तो 169 हो जाएगा, 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 2 6 और 1 प्लस 4 इज लेस देन आर इक्वल टू दिस एफ ऑफ एक्स एंड लेस देन आर इक्वल टू 25 प्लस 144 169 और ये प्लस 4 विच एम्प्लाइज माइनस 169 का अंडर रूट 13 प्लस 4, ये एफ ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल 169 का स्क्वेयर रूट या अंडर रूट 13 प्लस 4, माइनस 13 प्लस 4 करेंगे तो माइनस 9, ये एफ ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 13 प्लस 4 17। देखो ये एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स अपना 12 cos x plus 5 sin x plus 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी ये मिनिमम वैल्यू होगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 9 और लेस देन आर इक्वल टू 17, तो मिनिमम वैल्यू हो गई माइनस 9 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 17। देयरफोर मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 9 एंड मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 17। ऐसे आप इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड, 5 cos x plus 3 sin 5 by 6 minus x plus 4। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन गिवन है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, तो ये एक्सप्रेशन x में है, तो सबसे पहले मैं इसको f ऑफ x के इक्वल कंसीडर कर लेता हूं। लेट f ऑफ x is equal to 5 cos x plus 3 sin 5 by 6 minus x plus 4। अब देखिए इसको a cos x a sin x plus b cos x plus, अपने पास में a sin x plus b cos x plus c की मैक्सिमम और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी और मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी है, लेकिन उस एक्सप्रेशन को आप नोटिस करेंगे तो उसमें जो एंगल रहता है वो एक जैसा रहता है, एक्स ए साइन एक्स एंगल एक्स है प्लस बी कॉस एक्स एंगल एक्स है, यहाँ पर कॉस का तो एंगल एक्स है लेकिन साइन का एंगल पाई बाय सिक्स माइनस एक्स है, तो अभी हम वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, हमको ये वाले एंगल को भी सिंगल एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको मैं पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं, विच इज इक्वल टू 5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं यहां पर हम, 3 साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए ए के प्लेस पे है 5 बाई 6 इंटू कॉस बी, बी के प्लेस पे एक्स माइनस कॉस ए के प्लेस पे है 5 बाई 6 इंटू साइन बी, साइन बी के प्लेस पे है आपका एक्स प्लस 4, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस एक्स
माइनस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू रूट थ्री अपॉन टू इंटू साइन एक्स प्लस फोर। अभी ये थ्री का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में, विच इज इक्वल टू फाइव कॉस एक्स प्लस थ्री अपॉन टू हो जाएगा ये कॉस एक्स माइनस थ्री अंडर रूट थ्री अपॉन टू साइन एक्स और प्लस फोर, ऐसा हो गया। अब देखिए ये कॉस एक्स और ये कॉस एक्स है, दोनों में से कॉस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, अपने को एक कॉस एक्स चाहिए और एक साइन एक्स चाहिए, तो ये साइन एक्स आ गया, इन दोनों में से कॉस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा फाइव प्लस थ्री अपॉन टू कॉस एक्स, ये कॉस एक्स कॉमन निकाल लिया मैंने, माइनस थ्री रूट थ्री अपॉन टू साइन एक्स प्लस फोर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, टू एलसीएम ले लेंगे तो फाइव टू जार टेन प्लस थ्री थर्टीन अपॉन टू हो जाएगा, थर्टीन अपॉन टू कॉस एक्स माइनस थ्री अंडर रूट थ्री अपॉन टू साइन एक्स और प्लस फोर। अब हम इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, हमारा सीक्वेंस ए साइन एक्स प्लस, हमारा एक्सप्रेशन था ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, तो ये ए साइन एक्स वाली टर्म को पहले लिख लेता हूँ, फिर ये बी कॉस एक्स और ये सी, ये हो जाएगा माइनस थ्री रूट थ्री अपॉन टू साइन एक्स प्लस थर्टीन अपॉन टू कॉस एक्स और प्लस फोर। देखो अब ये आ गया ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी के फॉर्म में, हमने एफ ऑफ एक्स को ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी में लिख लिया। देखो एंगल यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी एक्स, एंगल आपका एक जैसा होना चाहिए। अब अपने पास में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू थी, सिंस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी की मिनिमम वैल्यू थी माइनस अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और प्लस सी इज लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस सी। ये हमारी ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी की मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो इसको हमने एफ ऑफ एक्स लिए, तो ये एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ इसके प्लेस पे, और ए के प्लेस पे आपका माइनस थ्री रूट थ्री अपॉन टू है और बी के प्लेस पे आपका थर्टीन अपॉन टू और सी के प्लेस पे फोर रख देते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देयर फोर ये माइनस अंडर रूट ए स्क्वेयर, ए है आपका माइनस थ्री रूट थ्री अपॉन टू, तो माइनस थ्री रूट थ्री अपॉन टू स्क्वेयर प्लस बी है आपका थर्टीन अपॉन टू, थर्टीन अपॉन टू का स्क्वेयर, थर्टीन अपॉन टू होल स्क्वेयर प्लस सी है आपका फोर प्लस फोर, और इस वैल्यू को ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के प्लेस पे है, और इसको हमने एफ ऑफ एक्स सपोज किया, इसको एफ ऑफ एक्स लिख लेता हूँ मैं, ये एफ ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू, यही वाली वैल्यू आपको यहाँ रख देना है, माइनस थ्री रूट थ्री अपॉन टू होल स्क्वेयर, ये ए स्क्वेयर हो गया प्लस बी स्क्वेयर, बी है आपका थर्टीन अपॉन टू, तो थर्टीन अपॉन टू होल स्क्वेयर और प्लस सी है आपका फोर, सी को लिख दिए फोर, ये फोर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, विच एम्प्लाइज ये माइनस अंडर रूट माइनस स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर नाइन और रूट थ्री का स्क्वेयर थ्री, तो नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन हो जाएगा और अपॉन टू स्क्वेयर फोर प्लस थर्टीन स्क्वेयर वन सिक्सटी नाइन अपॉन टू स्क्वेयर फोर, और ये प्लस फोर अंडर रूट के बाहर है, लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को ऐसे ही रहने दो, और ये लेस देन आर इक्वल टू ये भी सेम ऐसे ही आ जाएगा आपका ट्वेंटी सेवन अपॉन फोर हो जाएगा, स्क्वेयर करके सॉल्व करेंगे प्लस वन सिक्सटी नाइन अपॉन फोर और प्लस फोर। तो और थोड़ा सॉल्व करते हैं, विच एम्प्लाइज माइनस एलसीएम ले लेते हैं फोर, ये फोर एलसीएम, तो ये ट्वेंटी सेवन प्लस वन सिक्सटी नाइन और ये प्लस फोर लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये लेस देन आर इक्वल टू ऐसे ही आ जाएगा, ये भी वही सेम क्वांटिटी है, सिर्फ प्लस माइनस का साइन है, ये फोर एलसीएम, ये ट्वेंटी सेवन प्लस वन सिक्सटी नाइन और ये प्लस फोर। और थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये माइनस
169 में 27 प्लस करें, 9 प्लस 7 16, 6 प्लस 2 8 और 1 9 और ये 1, 196 अपॉन 4 प्लस 4 लेस देन आर इक्वल टू ये एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू ये अंडर रूट 196 अपॉन 4 196 अपॉन 4 और ये प्लस 4 को स्क्वायर रूट के बाहर निकालते हैं, माइनस 196 का स्क्वायर रूट या अंडर रूट 14 और 4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस ये 4 लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 196 का स्क्वायर रूट 14 4 का स्क्वायर रूट या अंडर रूट 2 और ये प्लस 4। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, ये 2 से 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया आपका, इधर आ गया आपका माइनस 7 प्लस 4 हो गया माइनस 7 प्लस 4 ये एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू ये माइनस ये प्लस 7 और ये प्लस 4 विच एम्प्लाइज माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3 और ये एफ ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 7 प्लस 4 11। तो देखिए एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 3 और लेस देन आर इक्वल टू 11 आ गई, मतलब मिनिमम वैल्यू माइनस 3 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू 11 हो गई। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 3 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 11। तो ऐसे हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 4, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ये एक्स में दिया हुआ है। सबसे पहले इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1। देखो ये ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, हमारे पास में फॉर्मेट है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी की मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी और मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, उसका यूज कर लेते हैं। देंस मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, यह है ए साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू प्लस बी कॉस एक्स और प्लस सी, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी की मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी और मैक्सिमम वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ये अपने पास में फॉर्मूला, अब इसमें ए के प्लेस पे वन है और बी के प्लेस पे माइनस वन और सी के प्लेस पे वन है, डायरेक्ट रख देते हैं इसके अंदर, विच एम्प्लाइज माइनस ए स्क्वायर ए वन है वन स्क्वायर प्लस बी आपका माइनस वन है कॉस एक्स का कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस सी आपका वन है प्लस वन, और इसको लिख लेता हूं मैं एफ ऑफ एक्स, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है तो इसको एफ ऑफ एक्स सपोज किया अपन ने, ये एफ ऑफ एक्स इज देन आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, ए है आपका वन इसका स्क्वायर प्लस बी है माइनस वन इसका स्क्वायर और प्लस सी है वन, इसको सॉल्व कर लेते हैं, विच एम्प्लाइज माइनस वन स्क्वायर वन प्लस माइनस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर वन प्लस वन इज लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट वन स्क्वायर वन और माइनस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर वन प्लस वन, विच एम्प्लाइज माइनस वन प्लस वन टू अंडर रूट टू प्लस वन, ये एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू वन प्लस वन टू अंडर रूट टू प्लस वन, या इसको और ऐसा लिख सकते हैं, पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लें, वन माइनस रूट टू लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और लेस देन आर इक्वल टू वन को पहले लिख लो वन प्लस रूट टू। तो देखो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन माइनस रूट टू एंड एफ ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू वन प्लस रूट टू, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी इसकी और ये मैक्सिमम होगी। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू वन माइनस अंडर रूट टू एंड मैक्सिमम वैल्यू वन प्लस अंडर रूट टू, ऐसे आप इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते। क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू द साइन एंड कोसाइन ऑफ अ सिंगल एक्सप्रेशन। देखिये नीचे कुछ एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, उनको हमको केवल साइन और कॉस के सिंगल एक्सप्रेशन में रिड्यूस करना है। तीन पार्ट है इसमें, 1, 2, 3, वन बाय वन हम लेते जाते हैं। पार्ट फर्स्ट, अंडर रूट 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको हमको सिंगल ट्रिक, ये साइन एक्स और कॉस एक्स के टर्म में एक्सप्रेशन है, हमको इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के एक्सप्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब केवल साइन में और केवल कॉस में। तो वन बाय वन हम इसको करेंगे। सबसे पहले ये एक्स के टर्म में है यहाँ पर, तो इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल सपोज कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब जब आपको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को कन्वर्ट करना हो, तो अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी। किससे? अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ए क्या है? ए साइन एक्स का कोफिशियंट है, ए साइन एक्स, और बी कॉस एक्स से बी जो है कॉस एक्स का कोफिशियंट है। तो यहाँ देखिए साइन एक्स का कोफिशियंट अंडर रूट 3 है, तो ये हो गई ए की वैल्यू, और कॉस एक्स का कोफिशियंट माइनस 1 है, तो ये हो गई आपकी बी की वैल्यू। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मीन्स अंडर रूट 3 स्क्वेयर प्लस अंडर रूट माइनस 1 के स्क्वेयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं पहले। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए के प्लेस पे रूट 3 है तो रूट 3 का स्क्वेयर प्लस बी के प्लेस पे माइनस 1 है कॉस का कोफिशियंट का स्क्वेयर। दोनों के कोफिशियंट का स्क्वेयर कर दो और उसका सम कर दो, दोनों के स्क्वेयर का सम और उसको अंडर रूट के अंदर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं अपन। ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 का स्क्वेयर 3 और माइनस स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर 1, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, उसका अंडर रूट निकालेंगे तो 2। तो एक नंबर मिल गया अपने को 2। इस 2 से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अंडर इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये रूट 3 को डिवाइड करेंगे तो रूट 3 अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 1 है इसका कोफिशियंट, माइनस 1 अपॉन 2 और ये कॉस एक्स। देखो इससे इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आया क्योंकि हमने मल्टीप्लाई भी किए और डिवाइड भी किए। आप अंदर ये 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वापस आपको रूट 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मिल जाएगा। अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना, ऐसा अपन सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं। अब देखिए, अब हमारे पास में 2 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 कॉस एक्स आ गया। अब हमको इसको साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना है, मतलब सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या तो साइन में बनेगा या कॉस में बनेगा। तो पहले साइन में बनाने के लिए बोल रहा है और फिर कॉस में बनाने के लिए बोल रहा है, तो पहले हम इसको साइन में बनाएंगे। अब देखिए साइन में बनाने के लिए क्या करेंगे कि साइन एक्स का जो कोफिशियंट है वो रूट 3 अपॉन 2 है, इसको कॉस में लिखेंगे, रूट 3 की कॉस में जो भी वैल्यू होती है वो लिखेंगे, और कॉस एक्स का जो कोफिशियंट है ये 1 अपॉन 2, इसको साइन में लिखेंगे, 1 अपॉन 2 साइन में जिसकी भी वैल्यू होती है, जिससे अपन फॉर्मूला बना देंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। सपोज आपको इसी एक्सप्रेशन को अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कॉस के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम कॉस ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाएंगे। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये तो अगर हमको इसको कॉस में कन्वर्ट करना है तो साइन एक्स का जो कोफिशियंट है इसको साइन में ही लिखेंगे, रूट 3 अपॉन 2 साइन में जो भी वैल्यू होती है, और कॉस एक्स का जो कोफिशियंट है इसको कॉस में लिखेंगे, कॉस में जो भी वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है वो लिख देंगे। तो हमारे कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी या साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले बन जाएंगे। तो क्या बताया मैंने आपको कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप कॉस के कोफिशियंट को साइन में लिखो और साइन के कोफिशियंट को कॉस में लिखो, और अगर आप कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो कॉस के कोफिशियंट को कॉस में ही लिखना है और साइन के कोफिशियंट को साइन में लिखना है। तो देखिए हम पहले साइन के टर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे, तो आप साइन का जो कोफिशियंट है ये रूट 3 अपॉन 2 को कॉस में लिखते हैं, ये हो जाएगा 2।
अब देखो ये रूट थ्री अपॉन टू कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो मैं इसको कॉस पाई बाई सिक्स लिख देता हूँ, कॉस 30 को पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं, इन टू साइन एक्स को ऐसे ही रहने दो माइनस, अब ये कॉस का जो कोफिशियंट है आपका वन अपॉन टू, इसको साइन में लिख दो, वन अपॉन टू साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं 30 को, इन टू कॉस एक्स, ऐसा हो गया इसको। अब ये देखो फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये एक्स वाली टर्म को पहले लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा टू साइन एक्स कॉस पाई बाई सिक्स, आगे पीछे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, कॉस एक्स इन टू साइन पाई बाई सिक्स। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इसको हम लिख सकते हैं टू साइन ए के प्लेस पे आपको एक्स दिख रहा और बी के प्लेस पे आपको पाई बाई सिक्स दिख रहा, इसको आप साइन ए माइनस बी से खोल के देख लो आपको ये मिल जाएगा, साइन एक्स साइन ए कॉस बी तो कॉस पाई बाई सिक्स, माइनस कॉस ए तो कॉस एक्स, और साइन बी तो ये साइन पाई बाई सिक्स आ जाएगा, कॉस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, तो अब देखिए टू साइन एक्स माइनस पाई बाई, ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आ गया, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आ गया बस। अब इसी को ये जो अपना एफ ऑफ एक्स आया है, अब इसको हमको कॉस के टर्म में भी लिखना है, सिंगल कॉस के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो इसी को मैं फिर से ले लेता हूं इस एक्सप्रेशन को, अगेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू इंटू अंडर रूट थ्री अपॉन टू साइन एक्स माइनस वन अपॉन टू कॉस एक्स, ऐसा आ गया, ये लिख दिया मैंने इसको फिर से। अब देखिए इसको हमको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कॉस में कन्वर्ट करना, अभी मैंने आपको बताया अगर आपको कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना है तो साइन का जो कोफिशियंट है उसको साइन में लिखना है और कॉस का कोफिशियंट को कॉस में लिखना है, तो क्या हो जाएगा ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल चल रहा है इक्वल टू, ये टू को ऐसे ही रहने दो, ये रूट थ्री अपॉन टू साइन का कोफिशियंट है तो इसको साइन में ही लिखेंगे, रूट थ्री अपॉन टू साइन में किसकी वैल्यू होती है, रूट थ्री अपॉन टू साइन में साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो इसको साइन पाई बाई थ्री, साइन पाई बाई थ्री मतलब 60 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस का कोफिशियंट वन अपॉन टू, इसको कॉस में लिखना है तो वन अपॉन टू कॉस में कॉस 60 की वैल्यू होती है, कॉस पाई बाई थ्री इंटू कॉस एक्स। अब देखो ये फॉर्मूला बन सकता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये वाली टर्म अपने को पहले चाहिए और प्लस में चाहिए, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकाल लेते तो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू ये माइनस टू हो जाएगा कॉस पाई बाई थ्री इंटू कॉस एक्स, और ये माइनस हो जाएगा साइन पाई बाई थ्री इंटू साइन एक्स। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ए के प्लेस पे पाई बाई थ्री, बी के प्लेस पे एक्स, ए के प्लेस पे पाई बाई थ्री, बी के प्लेस पे, ये बन गया आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, तो विच इज इक्वल टू ये माइनस टू कॉस ए के प्लेस पे है पाई बाई थ्री और प्लस बी के प्लेस पे एक्स, इसको आप कॉस ए प्लस बी से खोल के देख लो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, तो देखो इसको ये एफ ऑफ एक्स माइनस टू कॉस पाई बाई थ्री प्लस एक्स, ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कॉस के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया हमने इसको, तो ऐसे आपको इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन या कॉस में आप इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट सेकंड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ये दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इसको भी हमको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो सबसे पहले इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल सपोज कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अब एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमको इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए ले लो वन और बी ले लो माइनस वन, तो वन स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, वन स्क्वायर वन हो जाएगा माइनस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर वन अंडर रूट टू, एक नंबर मिल गया हमको अंडर रूट टू, इस अंडर रूट टू से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई की अंडर रूट टू और अंडर रूट टू से डिवाइड करना है तो कॉस एक्स का कोफिशियंट वन है तो वन अपॉन अंडर रूट टू हो गया, कॉस एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू साइन एक्स,
देखो हमने रूट टू से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे रूट टू का या एलसीएम लेंगे तो ये रूट टू से रूट टू कैंसिल होके वापस आपको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मिल जाएगा। अब देखिए ये वन अपॉन रूट टू कॉस एक्स माइनस वन अपॉन रूट टू साइन एक्स आ गया। अब हमको इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन में और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं। अभी बताया मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको कि साइन में कन्वर्ट करने के लिए साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, और साइन में यदि आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो कॉस का कोफिशियंट है उसको साइन में वैल्यू लिखो और जो साइन का कोफिशियंट है उसकी वैल्यू को कॉस में लिखो, तो साइन ए प्लस बी है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम साइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इसको, पहले ये हो जाएगा रूट टू को एज इट इज, ये वन अपॉन रूट टू कॉस का कोफिशियंट है तो इसको इसकी वैल्यू साइन में लिख दो, तो वन अपॉन रूट टू साइन में साइन 45 की वैल्यू होती है, साइन पाई बाई फोर इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का कोफिशियंट वन अपॉन रूट टू है तो साइन का कोफिशियंट को कॉस में लिखना है तो वन अपॉन रूट टू की वैल्यू कॉस के टर्म में लिख लो, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू वन अपॉन अंडर रूट टू होती है तो कॉस पाई बाई फोर और इंटू साइन एक्स। देखो ये फॉर्मूला बन रहा है आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया है, इसको लिख सकते हैं हम रूट टू इंटू साइन ए माइनस बी, ए के प्लेस पे है पाई बाई फोर माइनस बी के प्लेस पे है एक्स, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से इसको ओपन करके देख लो ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। अब ये अंडर रूट टू साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कन्वर्ट हो गया, तो ये अपना एक आंसर हो गया। अब इसी को हमको कॉस में कन्वर्ट करना है तो इसको फिर से ले लेता हूं मैं, इसको फिर से ले लेता हूं कॉस में कन्वर्ट करने के लिए, अगेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये रूट टू इंटू वन अपॉन रूट टू कॉस एक्स माइनस वन अपॉन रूट टू साइन एक्स, ये इसको कॉस में कन्वर्ट करना है तो कॉस के लिए फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आता है, तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए कॉस का जो कोफिशियंट लिखा हुआ है उसको कॉस के टर्म में लिखो और साइन का जो कोफिशियंट है उसको साइन के टर्म में लिखो, तो विच इज इक्वल टू ये रूट टू, ये कॉस का कोफिशियंट है वन अपॉन रूट टू तो इसको कॉस में ही लिखो, वन अपॉन रूट टू कॉस में कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू होती है 45 डिग्री की इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का कोफिशियंट वन अपॉन रूट टू को साइन के टर्म में लिखो तो वन अपॉन रूट टू साइन में साइन पाई बाई फोर की वैल्यू होती है साइन 45 की वैल्यू वन अपॉन रूट टू इंटू साइन एक्स। देखो ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये रूट टू इंटू कॉस ए प्लस बी, ए के प्लेस पे पाई बाई फोर और बी के प्लेस पे एक्स, इसको आप कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले से खोल के देख लो ये आ जाएगा कॉस पाई बाई फोर इंटू कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाई फोर इंटू साइन एक्स, ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कॉस में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप साइन और कॉस सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के फॉर्म में इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे फॉर्मूले भी लिख सकते हैं, मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं है यहाँ पे, अगर आप लिखना चाहे तो यहाँ फॉर्मूले लिख सकते हैं, चलिए मैं यहाँ फॉर्मूले भी लिख देता हूँ, यहाँ हमने फॉर्मूला अप्लाई करे हैं टेन साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे अप्लाई किए हमने, यहाँ अप्लाई किए हैं टेंस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर आप ये फॉर्मूले यहाँ पे मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो आपको फॉर्मूले मालूम, मैंने डायरेक्ट कर दिया था यहाँ पे, आप चाहे तो फॉर्मूले लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आपको लिख के बताना है, वैल्यूअर को या कॉपी चेक करने वाले को ये सब फॉर्मूले पहले से पता रहते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं आपके रेफरेंस के लिए, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई जरूरी नहीं, डायरेक्ट आप वैल्यू रख सकते। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट थर्ड पार्ट 24 cos x + 7 sin x, देखिए एक ये ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन है कॉस और साइन में, इसको हमको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन या कॉस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये एक्स एक्स दिख रहा है आपको, इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल सपोज कर लेते हैं, तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 24 cos x + 7 sin x। अब देखो इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते, तो ए इक्वल टू 24 ले लो, बी इक्वल टू 7, किसी को भी ए किसी को भी बी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, इन दोनों को प्लस कर लो, 9 प्लस 6 15, 4 प्लस 7 11 1 12, 5 1 6 625 का अंडर रूट 625 का अंडर रूट 25, एक नंबर मिल गया हमको 25। अब इस 25 से इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो इसको, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये 25 से मल्टीप्लाई किया मैंने, आप 25 से डिवाइड भी करेंगे, 24 अपॉन 25 कॉस एक्स प्लस 7 अपॉन 25 साइन एक्स। देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से इससे इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आया, आप ये 25 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो वापस 24 कॉस एक्स प्लस 7 साइन एक्स आ जाएगा। अब देखिए, अब हम इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए कॉस का जो कोफिशियंट है उसको साइन के टर्म में लिखते हैं और साइन का जो कोफिशियंट है उसको कॉस के टर्म में लिखते हैं। तो अब यहाँ 24 अपॉन 25 इसको हम लिख सकते हैं 25, अब यहाँ देखिए कॉस का जो कोफिशियंट है वो 24 अपॉन 25, इसको हमको साइन के टर्म में लिखना है, लेकिन अब साइन की कौन सी वैल्यू 24 अपॉन 25 होगी ये अपने को पता नहीं है, तो इस अपने पास में 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू अपने को पता है कि कौन सी वैल्यू क्या होती है, ये वाली वैल्यू होगी इसकी कोई ना कोई साइन में वैल्यू, लेकिन ये अपन ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से देखते हैं यहाँ अपने को पता नहीं चलेगा। तो मैं इस वैल्यू को 24 अपॉन 25 को साइन अल्फा कंसीडर कर लेता हूँ, साइन अल्फा या साइन थीटा कुछ भी ले सकते हैं आप, मैं साइन अल्फा ले लेता हूँ, साइन अल्फा मैंने 24 अपॉन 25 को सपोज कर लेगी, साइन अल्फा की वैल्यू 24 अपॉन 25, जैसे अपन साइन 30 साइन 45 की कोई वैल्यू देखते हैं ऐसा साइन अल्फा की वैल्यू, अल्फा वो एंगल होगा जिसकी वैल्यू 24 अपॉन 25 हो, और कॉस एक्स को ऐसे ही रहने दो, प्लस अब साइन एक्स का कोफिशियंट 7 अपॉन 25 है तो साइन एक्स कोफिशियंट को कॉस में लिखना है, तो कॉस की ये कोई ना कोई वैल्यू है, कौन सी वैल्यू ये अपने को पता नहीं है, तो इसको मैं कॉस अल्फा ले लेता हूँ, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, और ये साइन एक्स को ऐसे ही रहने दो। देखिए हमने क्या किए कि जो कॉस का कोफिशियंट था उसको साइन अल्फा लिख दिया और जो साइन का कोफिशियंट था उसको कॉस अल्फा लिख दिया, वेयर करके लिख देते हैं क्योंकि वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है अपनी, ये वेयर क्या लिखे हमने, वेयर साइन अल्फा इज इक्वल टू 24 अपॉन 25 सपोज किए हमने, एंड कॉस अल्फा इज इक्वल टू 7 अपॉन 25 को सपोज किए लिख दिए हमने यहाँ पर, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी अपने पास में, तो हमने सपोज करके लिख दिए कि 24 अपॉन 25 साइन अल्फा के इक्वल है और 7 अपॉन 25 कॉस अल्फा के, ऐसा लिख देना आप। अब देखिए ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, इसको लिख सकते हैं हम 25 साइन ए प्लस बी, ए के प्लेस पे अल्फा और बी के प्लेस पे एक्स, साइन ए कॉस बी ये वाला फॉर्मूला लग गया यहाँ पर, सेंस साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहां पर। अब यहां देखिए 25 साइन अल्फा प्लस एक्स, ये पूरा साइन एक्स में कन्वर्ट हो गया एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, अब ये जो अल्फा है इस अल्फा की वैल्यू को भी अपन यहां लिख देते हैं, वेयर अब यहाँ पर तो अपने पास में कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू अलग अलग थी, अब इसको एक अल्फा दिख रहा तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के टर्म में लिख लेते हैं, तो ये साइन अपॉन कॉस अगर अपन करते तो टेन हो जाता है, इस वाली वैल्यू को अगर इस वाली वैल्यू से डिवाइड करते तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, इसको टेन अल्फा, और इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर में 25 है, डबल फ्रैक्शन है तो ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इसको यहाँ कैंसिल कर दो, 25 से 25 कैंसिल, 24 अपॉन 7 आ जाएगा, तो वेयर टेन अल्फा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 24 अपॉन 7। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में जो ये अल्फा दिख रहा है ये टेन अल्फा इज इक्वल टू 24 अपॉन 7 को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ से निकाल लिया मैंने टेन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा वाली वैल्यू को कॉस अल्फा वाली वैल्यू से डिवाइड किया, 25 से 25 कैंसिल तो 24 अपॉन 7, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन में कन्वर्ट हो गया 25 साइन अल्फा प्लस एक्स, वेयर टेन अल्फा इज इक्वल टू 24 अपॉन 7। अब इसी को हमको कॉस सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं फिर से ले लेता हूं, अगेन
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू 24 अपॉन 25 कॉस एक्स प्लस 7 अपॉन 25 इंटू साइन एक्स। अब फिर से यहां देखो 24 अपॉन 25 कॉस एक्स प्लस 7 अपॉन 25 साइन एक्स। अब इसको अपन कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए कॉस एक्स का जो कोफिशियंट है उसको कॉस के टर्म में लिखो और साइन एक्स का जो कोफिशियंट है उसको साइन के टर्म में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये 25 ऐसे ही रहेगा, इस 24 अपॉन 25 कॉस का कोफिशियंट है इसको कॉस के टर्म में कॉस अल्फा ले लेता हूं मैं, ये कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस 7 अपॉन 25 साइन एक्स का कोफिशियंट है जिसको साइन में साइन अल्फा सपोज कर लेता हूँ, साइन अल्फा इंटू साइन एक्स, ये वेयर वेयर कॉस अल्फा इज इक्वल टू, क्या लिए हमने कॉस अल्फा सपोज किए किसको 24 अपॉन 25 को, 24 अपॉन 25 एंड साइन अल्फा सपोज किए हमने 7 अपॉन 25 एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू 7 अपॉन 25, ऐसे हमने इसकी वैल्यू लिख दी है। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया है। इसको लिख सकते हैं हम 25 कॉस ए माइनस बी, ए के प्लेस पे अल्फा और बी के प्लेस पे एक्स। तो देखो ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कॉस में कन्वर्ट हो गया 25 कॉस अल्फा माइनस एक्स, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। आप कॉस ए माइनस बी से इसको खोलेंगे तो यही आ जाएगा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ, टेंस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहां पर। अब 25 कॉस अल्फा माइनस एक्स, तो ये जो अल्फा है इसको अपन एक सिंगल अल्फा है तो अपने पास में कॉस और साइन दो वैल्यू है, साइन की वैल्यू को अगर अपन कॉस की वैल्यू से डिवाइड करें साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा टेन अल्फा हो जाएगा, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो 25 दोनों के अपॉन में तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू 7 अपॉन 24 आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं वेयर वेयर टेन अल्फा इज इक्वल टू, या साइन वाली वैल्यू को कॉस वाली वैल्यू से डिवाइड करना तो 7 अपॉन 24 हो जाएगा, ऐसा आपको लिख देना है। तो इस तरह से हमने जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन था उसको सिंगल साइन और कॉस के टर्म में एक्सप्रेस कर, ऐसे आप एक्सप्रेस कर सकते। तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे, रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके बाय।